हे गाइस, पहली और दोस्तों आज के हम बात करने वाले हैं कि अपने हेयर्स की केयर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मॉडल्स जो होते हैं, जो उनकी हेयर्स की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और हेयर्स आप उनके देख सकते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और वो इतने सारे कलर करवाते हैं और तब भी जो उनके हेयर्स में हेयर फॉल नहीं होती और जो उनकी हेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं और उसका जो टेक्सचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो कैसे आपको अपने हेयर्स में ऐसी केयर करनी है और आपको क्या क्या करना है वो पूरी डिटेल मैं आपको शुरू में देने वाला हूँ। और ये जो आज की वीडियो है वो पूरी हेयर केयरिंग के ऊपर होने वाली है कि आपको कैसे अपने हेयर को केयर करना है जिससे कि जो आपके हेयर है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल पाएंगे, ताकि जब आप बुढ़े हों तो फिर आपका कुछ इस टाइप का हाल ना हो। तो आज की अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स बताई जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो हेयर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी जैसे मॉडल्स की होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, उस लाल वाला सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और साथ में बेल के आइकन टैप करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आपको डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। आप उसको फॉलो करके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आके पूछ सकते हैं, आप उसको डीएम कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसी फर्स्ट टिप से। तो फर्स्ट टिप जो हमारे पास है वो है डॉन डेली शैम्पू। तो इसमें काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारे जो हेयर्स हैं वो शैम्पू से साफ होते हैं, तो हमको करना क्या, हम रोज़ ही शैम्पू करते हैं जिससे कि जो हमारे हेयर्स हैं वो रोज़ ही साफ़ होंगे। तो ये काफ़ी गलत बात है। अगर आपने हेयर्स में शैम्पू रोज़ करते हैं तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू से जो आपके हेयर्स हैं वो थोड़े साफ तो होते हैं, लेकिन जब अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर जो आपके हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और अगर आप डेली शैम्पू करते हैं तो आप खुद ही अपने बालों के साथ बहुत बड़ा पंगा कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, आपके जो हेयर्स हैं आप उसको कम से कम जब आप शैम्पू यूज़ करते हैं या फिर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आप उसको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करें, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर जो आपके हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉलिंग होने लगेगी और फिर जो आपके हेयर्स है वो ख़राब भी होने लगेंगे। तो आपको डेली शैम्पू नहीं करना है। काफ़ी लोग होते हैं जो डेली शैम्पू करते हैं, डेली कंडीशनर करते हैं, जिससे कि उनको लगता है जो हमारे हेयर्स हैं वो साफ़ होंगे। तो साफ़ तो होते हैं, लेकिन साफ़ के साथ साथ जो आपके हेयर्स हैं वो हेयर्स फॉलिंग के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं तो क्या कंडीशन आपकी हो सकती है। तो इसलिए आपको डेली शैम्पू या फिर कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है। सेकंड टिप है डोंट वॉश विथ वार्म वाटर। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं कि अपने हेयर्स को वार्म वाटर से वॉश करते हैं, जैसे गर्म पानी जो होता है उससे वॉश करते, तो ऐसे आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर जो आपको हेयर फॉलिंग है वो हो सकती है। तो अगर आप वार्म वाटर से अपने हेयर्स को वॉश करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी गलती है आपकी, तो आप ऐसा ना करें। आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, उससे अगर आप अपने हेयर्स वॉश करना चाहें तो आप उससे वॉश कर सकते हैं, इससे जो आपका स्कैल्प है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको वार्म वाटर से अपने हेयर्स को कभी वॉश नहीं करना है। थर्ड टिप है डोंट रब विद टॉवल। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं कि वो नहा के आते हैं और फिर जैसे ही नहा के आते हैं तो फिर जो टॉवल होता है उनका वो लेते हैं और वो पागलों की तरह ऐसे रगड़ने लगते हैं तेज़ तेज़, और ये गलती मैं भी पहले करता था, मतलब मैं भी पागल था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी आप रब करेंगे अपने हेयर्स को टॉवल के थ्रू तो इससे आपकी जो हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा टूटेंगे, इसमें हेयर फॉलिंग होगी और आपके जो हेयर्स है वो डैमेज भी होंगे। तो आप जब नहा के आते हो आपके जो हेयर्स हैं वो वेट होते हैं और जब भी आप उसको तेज़ तेज़ रगड़ेंगे तो फिर जो आपके हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होंगे और उसमें हेयर फॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। आपको तेज़ तेज़ पागलों की तरह नहीं रगड़ना है, नहीं तो फिर आपकी जो हेयर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो सकती है। फोर्थ टिप है कि आप जब भी नहा के आते हैं तो फिर आपके जो हेयर्स हैं वो अगर वेट हैं, अगर गीले हैं, तो ज़रूरी है कि आप नहा के ही आएँ। अगर आप अपने हेयर्स को वॉश भी करके आ रहे हैं और फिर जब अगर जो आपके हेयर्स है वो वेट है, तो फिर उस कंडीशन में आप इस टाइप की जो कॉम्ब होती है उसका यूज़ ना करें, आप राउंड ब्रश यूज़ ना करें, नहीं तो फिर इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉलिंग होगी। आपने ये बात नोटिस भी की होगी, जब आप नहा के आते हैं या फिर अगर आपके हेयर जो है वो वेट होते हैं, गीले होते हैं, फिर जब आप उस टाइम में आप ये राउंड ब्रश यूज़ करते हो तो फिर जो आपके हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहे होते हैं, उसमें हेयर फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। या फिर अगर आप टॉवल से रब कर रहे होते हैं अपने हेयर्स को, तब भी जो उसमें हेयर फॉलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पेशली जब आप नहा के आते हैं तब, या फिर आपके जो हेयर्स है वो वेट होते हैं तब। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, जब आपके हेयर्स वेट हैं आप उसको वैसे ही छोड़ दें। आपको ना उसमें राउंड ब्रश यूज़ करना है और ना ही आपको टॉवल यूज़ करना है, उसको रब नहीं करना है। जैसे आपके हेयर्स हैं वैसे ही आप छोड़ दें, फिर जब आपके जो हेयर्स है वो सूख जाएं तब आप उसको स्टाइल कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, फिर जब आपके हेयर्स है उसमें ज़्यादा इतनी हेयर फॉलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपके जब हेयर्स वेट हैं तो आप उसको ऐसे छोड़ दें, आप उसमें राउंड ब्रश यूज़ ना करें। फिफ्थ टिप हमारे पास है वो है डोंट यूज़ डेली प्रोडक्ट। तो काफ़ी लोग होते हैं कि जो अपने हेयर्स में डेली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे वैक्स होता है, जेल होता है और हेयर ड्रायर होता है, स्ट्रेटनर भी होता है, तो आप ये सब यूज़ ना करें। आप ये सब यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको डेली यूज़ नहीं करना है। ये सब जो चीज़ें होती है वो डेली बेसिस के लिए नहीं बनी होती हैं, इसको आप वीक में कम से कम 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं बस, और उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज जाते हैं वो, और वो अपने हेयर्स को हमेशा जब देख रहे हैं सुबह के टाइम में, वो अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने में लगे हुए हैं या फिर ड्रायर मारने में लगे पड़े हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको डेली ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको हेयर फॉलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रूखे रूखे और डैमेज लगते हैं और आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं।
तो ये सब जो काम है डेली का, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसको बहुत कम करना होगा। आप इन प्रोडक्ट से जितना बच सके उतना आपको बचना है। कम से कम आप वीक में एक से दो बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। और अगर बात है ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर की, तो जब भी आप ड्रायर या स्ट्रेटनर यूज़ करने जा रहे हैं वीक में एक दो बार, अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं उसको, तो आपको हीट प्रोटेक्टर लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि जितनी भी हीट आपके हेयर्स में जाएगी, उससे जो आपका हीट प्रोटेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा आपके हेयर्स को, और जिससे कि आप आसानी से ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर यूज़ कर पाएंगे अपने हेयर में, और आपके जो हेयर्स फॉलिंग है वो नहीं होगी और आपके हेयर्स भी डैमेज नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप हेयर ड्रायर यूज़ करने जा रहे हैं या फिर स्ट्रेटनर यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप हीट प्रोटेक्टर जरूर अप्लाई करें अपने हेयर्स में। फिफ्थ टिप हमारे पास है, वो है डू ऑयलिंग। तो इसमें क्या करना है, आपको हमेशा जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको अपने स्कैल्प में मसाज करनी है ऑयल के थ्रू। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो वो आप ले सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल है तब वो भी आप ले सकते हैं। और ये जो दोनों ऑयल है ये आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर आप रात को सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले अपने हेयर्स में मसाज करें कोकोनट या फिर कैस्टर ऑयल की मदद से। इससे क्या होता है कि जब भी आप मसाज करेंगे अपने हेयर्स में, तो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके स्कैल्प में ज़्यादा होता है, और इससे ग्रोथ मिल पाती है आपके हेयर्स को, और आपके जो हेयर्स है वो अच्छे भी रहते हैं। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप डेली अपने हेयर्स में ऑयलिंग कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप ऑयलिंग भी आपको 2 से 3 बार करनी है वीक में। तो ऑयलिंग करने का मतलब क्या है, जब भी आप ऑयलिंग करेंगे अपने हेयर्स में, तो नेक्स्ट डे आपको सुबह में उसको शैम्पू से वॉश भी करना पड़ेगा, शैम्पू या कंडीशनर से। तो आपको डेली ऑयलिंग नहीं करनी है। डेली ऑयलिंग करने का मतलब आपको सुबह शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश करना पड़ेगा, और अगर आप डेली शैम्पू से वॉश करेंगे अपने हेयर्स को, तो फिर आपको पता ही है कि जो आपके हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होंगे। तो आपको शेड्यूल बना लें कि वीक में आपको सिर्फ 2-3 बार जो अपने हेयर्स में मसाज देनी है, और जो मसाज आपको देनी है वो कम से कम 10 मिनट तक देनी है, और मसाज करनी है अपने हेयर्स में ऑयल के थ्रू, और इससे आपके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। 6th टिप जो हमारे पास है वो है कि आप अपने हाथों को बार बार अपने बालों में ना लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपके जो हाथ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट रहता है, आप अलग अलग चीज़ों को छूते हैं। तो अगर आपके हाथ जो है वो क्लीन नहीं है, तो बार बार अपने हाथों को अपने बालों में ना लगाएं। इससे क्या होता है कि जब भी अपने हाथों को अपने हेयर्स में लगाएंगे, तो फिर जितनी भी डस्ट आपके हैंड में होती है वो सारी आपके स्कैल्प में जाएगी, और फिर आपका जो स्कैल्प है वो ख़राब होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही आपका जो स्कैल्प है वो अगर ख़राब होगा, तो आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो काफ़ी सारे बंदों को मैंने देखा भी है, तो क्या करते हैं वो लोग कि अपने हाथों को बार बार अपने स्कैल्प में लगाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो उनकी हेयर फॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। और ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप गंदे हाथ अपने हेयर्स में लगाएंगे तो हेयर फॉलिंग आपको होगी। तो अगर आपकी जो हेयर्स है वो सही है, वो साफ है, तब आप अपने हैंड को लगा सकते हैं। अगर गंदे हैं तो फिर आपको उसको नहीं लगाना है। और अब जो हमारे पास लास्ट टिप है वो है कि अगर आपके जो हेयर्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, अगर आप बहुत सारे कलर करवाते हैं अपने हेयर्स में, या फिर आपके जो हेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब भी हो चुके हैं, तो फिर अगर आपको उसको सही करवाना है तो आप हेयर स्पा करा सकते हैं। आप किसी भी सैलून में जा सकते हैं, जो बड़ा सैलून होता है जहाँ पर हेयर स्पा होता है, वहाँ पर जाके आप हेयर स्पा करा सकते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर आपके हेयर्स में डैंड्रफ है तो वो भी हट जाते हैं, या फिर आपके जो हेयर्स हैं वो ड्राई हैं तो थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं, और जो आपकी हेयर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर आपके जो हेयर्स है वो ख़राब हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा कलर आप करवाते हैं, कलरिंग करते हैं अपने हेयर्स में, अगर इससे आपके जो हेयर्स है वो ख़राब हो चुके हैं, तो आप किसी भी सैलून में जाके आप हेयर स्पा करा सकते हैं, और इससे जो आपके हेयर्स है वो दोबारा से सही हो जाएंगे, और फिर जो आपके हेयर्स है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो जो बाकी मॉडल्स होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो आपने देखा हो कि वो हमेशा कलर करवाते रहते हैं अपने हेयर्स में, और फिर बाद में आप सोचते होंगे कि उनके जो हेयर्स हैं वो डैमेज क्यों नहीं होते। तो इसका यही रीज़न होता है कि बार बार वो अपने हेयर्स में हेयर स्पा कराते हैं, जिससे कि जो उनके हेयर्स है वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं, और वो बिना डरे कलर करवाते हैं अपने हेयर्स में, और उनके जो हेयर्स है वो ख़राब भी नहीं होते। तो अगर आपके जो हेयर्स है वो डैमेज हो चुके हैं, तो फिर आप हेयर स्पा करा सकते हैं किसी भी सैलून में जाके, और फिर जो आपके हेयर्स है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी टिप्स जो आशा करता हूँ कि वो पसंद आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी वीडियोज़ के लिए, और साथ में बेल के आइकन को टैप करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरी कई सारी फोटोज़, जाके आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन है या फिर इस वीडियो के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है आपको, वो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने हेयर्स को हेल्दी रख पाएँ। तो बस मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Something that I
touch the